पहला किसानों का आत्महत्या के बारे में। गए दौर जो बीजेपी गवर्नमेंट थी 2021 और 24 के बीच में, वो टाइम पे 86% कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या के रिलीज है कड़ी भी उसको आग लगे सो वैसे 55 मेंबर लगे सो है, उसके अंदर 23 लोगों को अभी परिहार नहीं मिला। पहला मैडम जो माफिया के फेवर में बात कर रहे वो बंद करो, जो मट्टी निकाले से तालाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना बोल के हम जिला ಮತ್ತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳೋ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, 46 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರೋ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ. आज हम यहाँ पे कर्नाटका स्टेट किसान और लेबर यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा दो प्रमुख विषय के बारे में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला किसानों का आत्महत्या के बारे में। गए दौर जो बीजेपी गवर्नमेंट थी 2021 और 24 के बीच में, वो टाइम पे 86% कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या के रिलीज है, उसके अंदर 40% को अभी पेमेंट नहीं मिला। उनके घर वालों को जो मुआवजा देते सरकार की तरफ से वो नहीं मिला। और जो आकस्मिक आत्महत्या होता है, जो रैत मर जाता है कुछ प्रकृति विकोप से, वैसे 15 लोग हैं उनको कुटुंब फैमिली को अभी तक पैसा नहीं मिला। उसके बाद जो किसानों का बढ़मी रहता, जो उनका बढ़मी बोले तो जो कड़ी भी उसको आग लगे सो वैसे 55 मेंबर लगे सो है, उसके अंदर 23 लोगों को अभी परिहार नहीं मिला। कुल मिला कि 80 से ज़्यादा अर्जी है, वो विलेवारी नहीं करे बगैर यहाँ पे रख ले को बैठे से। पीछे सरकार जो थी बीजेपी सरकार, उन्होंने बोले थे डबल हम सरकार को दुगना मुनाफा करेंगे किसानों को बोल के। जो मरे हुए किसान जो तकलीफ से मरे, वो किसानों को परिहार नहीं दिए, ये डबल क्या करेंगे बोल के हमारा प्रश्न है। तो जो परिहार नहीं दिए वो फैमिली को तुरंत क्रमा करके उनको परिहार देना बोल के आग्रह कर रहे हैं। और दूसरी जो है ना कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में 15 केरी जो तालाब जो है, तालाब के अंदर वो मट्टी निकालने का काम करे, वो मट्टी बहुत क्वालिटी रहता सर, मगर वो मट्टी निकालने के लिए टेंडर तो करना, नहीं तो सरकार को हर रॉयल्टी भरना हर क्यूरी को इतना बोल के, मगर 1 रुपये भरे बगैर 15 केरी को लूट मार करे, केरी के मट्टी निकाले, वो जो तालाब के मट्टी निकाले उनके खिलाफ डीसी मैडम सख्त कानून क्रमा इंक्वायरी करना बोल के हमारा आग्रह है। पहले मैडम क्या करे, 1 महीने के बाद हम मीडिया में आने के बाद हम सरकार को गमन में लाने के बाद जो है ना उन्होंने एक लेटर लिखे कि फाइन डालो बल्कि जब रॉयल्टी लियो बोल के, मगर पीछे जो 1.5 महीने रॉयल्टी बगैर रॉयल्टी के जो मट्टी मारे से उनके बारे में मैडम कुछ भी नहीं बोले। तो उसके वास्ते हम क्या कर रहे, पहला मैडम जो माफिया के फेवर में बात कर रहे वो बंद करो, जो मट्टी निकाले से तालाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना बोल के हम आगरा के 2 इशू बैठ के यहाँ पे धरना कर रहे सर। सुनील मानपड़े।